कहते हैं सच्चे मन से क्षमा मांगने वाले दुर्लभ है, पर सच्चे मन से क्षमा कर देने वाले उससे भी अधिक दुर्लभ है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी को माफ कर देते हो, तुम खुद को गुस्से से होने वाली सारे बुरे परिणामों को खत्म कर देते हो। आज की जानकारी है शकुनी से संबंधित। जी हाँ, वही महाभारत के शकुनी। आमतौर पर हमारे देश में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन कई ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ बुराई के प्रतीकों की भी पूजा की जाती है। इनमें से एक महाभारत के मामा शकुनी को लोग बड़े ही आस्था के साथ पूजते हैं। देश के सुदूर दक्षिण स्थित केरल में शकुनी का एक मंदिर है जहाँ एक समुदाय उनकी पूजा करता है। ऐसी मान्यता है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब शकुनी को इस बात का दुख हुआ और इस बात का यकीन हुआ कि जो भी हुआ वह बहुत ही अनर्थ था। इस युद्ध में हजारों लोगों की मृत्यु हुई जिसे रोका जा सकता था। इसका पश्चाताप करने के लिए शकुनी ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया और केरल राज्य के कोल्लम में शांति के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगे। तपस्या से खुश होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिया और शकुनी को कृतार्थ किया। ऐसा बताया जाता है कि जिस जगह शकुनी ने तपस्या की थी वहाँ एक मंदिर स्थापित है। इस मंदिर को मायकोट्टू मलमचारू मल्लाड मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस पत्थर पर बैठकर शकुनी ने तपस्या की थी, उसे इस मंदिर में पूजा जाता है। इस स्थान को पवित्रेश्वरम के नाम से भी मान्यता मिली है। विद्वानों का मत है कि शकुनी के पास जो पासे थे वे असल में हाथी दांत के बने हुए थे, लेकिन शकुनी मायाजाल और सम्मोहन में भी महारथी था। पांसे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, लेकिन शकुनी की ब्रह्म विद्या से उन्हें लगता था कि वो हार गए हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध के आखिरी 18वें दिन में शकुनी मामा का वध हो गया था। सहदेव ने शकुनी का वध किया और उनके जुड़वा भाई नकुल ने शकुनी के पुत्र उलुक को मृत्यु के घाट उतार दिया था। सच्चाई जो भी है, पर केरल में शकुनी का मंदिर है और अनेक लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में शकुनी के अलावा देवी भुवनेश्वरी, भगवान किरात मूर्ति व नागराज भी पूजे जाते हैं। आमतौर पर यहाँ कुरुवर समाज के लोग शकुनी की पूजा के लिए आते हैं। भारत में पूजा पाठ, पूजा पद्धतियों सहित मंदिरों को लेकर कई किस्से कहानियां प्रसिद्ध है। महाभारत के शकुनी मामा के मंदिर की जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।